नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है, सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के घर के बाहर चार संदिग्ध पकड़े गए हैं। दो जनपद पर डायरेक्टर आलोक वर्मा का घर है और उन्हें सीबीआई विवाद के बीच छुट्टी पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर रात भर से खड़ी थी एक गाड़ी और उसी में ये संदिग्ध देखे गए थे। आलोक वर्मा के पोस्टल सिक्योरिटी ऑफिस ने संदिग्धों को पकड़ा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आलोक वर्मा की जासूसी की जा रही थी। तो दिल्ली के दो जनपद पर आलोक वर्मा के घर के बाहर, आपको बता दें, चार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आईबी से जासूसी कराए जाने की खबर को बेबुनियाद बताया है। सफेद रंग की कार में चार लोग देखे गए थे और पूछताछ में चारों लोगों ने खुद को आईबी अफसर बताया है। इनके मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया है। सभी के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्ड मौजूद थे। पुलिस अभी भी इन लोगों के बारे में अधिक जानकारी निकाल रही है। आपको बता दें, सुबह हंगामा होने पर सुरक्षा गार्ड ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी थी। दो जनपद दिल्ली का हाई सिक्योरिटी जोन है और रात में भी सफेद कार संदिग्ध हालत में वहां पर कैसे खड़ी रही रात भर, ये बड़ा सवाल है। तो सफेद रंग की कार में चार लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने अपने बारे में पुलिस को क्या बताया है, आइए ये आपको बता देते हैं। चारों ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का सदस्य बताया है। एक आदमी ने अपना नाम धीरज कुमार सिंह बताया और वो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है। दूसरे ने अपना नाम अजय कुमार बताया। तीसरे व्यक्ति का नाम प्रशांत कुमार और उसने खुद को असिस्टेंट ऑफिसर बताया है। चौथे व्यक्ति का नाम विनीत कुमार गुप्ता है, उसने भी खुद को असिस्टेंट ऑफिसर बताया है। और आलोक वर्मा के घर के बाहर जहां पर ये चार लोग पकड़े गए हैं, जिनकी जानकारी अभी भी हमने आपको बताई, उनके नाम बताए, वहां से जी न्यूज संवाददाता नीरज गौड़ की रिपोर्ट देखिए। दो जनपद रोड पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का ये निवास है। ये जानकारी मिली है कि सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, उन्होंने देखा कि ठीक सामने जो कि 30 जनवरी लेन है, वहां पर एक व्हाइट कलर की कार वहां पर खड़ी हुई थी जिसमें दो लोग बैठे हुए थे। और बताया जा रहा है कि रात से ही ये लोग वहां पर मौजूद थे उस कार के अंदर, और सुबह के वक्त जब उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो उसके बाद में इन दो लोगों को उस कार से निकाला गया। उसके बाद में ये जो हाउस है यहाँ पर इनको रखा गया है, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और वहीं इसी के साथ में जो लोकल पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उसे भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया है। पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये कार थी जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों शख्स इसमें बैठे हुए थे और इनकी जो गतिविधियाँ थी वो यहाँ पर संदिग्ध लग रही थी। और ठीक सामने दो जनपद रोड है और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक रेड कलर का एक बैग रखा हुआ है और इसी के साथ पूरी इस गाड़ी की तलाशी ली गई थी। और उसके बाद में जो सिक्योरिटी के लिए जो ऑफिसर थे वो यहाँ से इन दोनों को लेकर के जो ठीक सामने हाउस है वहाँ पर इनको लेकर गए। अब इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार में क्या वजह थी, किस वजह से ये गाड़ी यहाँ पर रात से खड़ी है और क्या मकसद था। कैमरामैन शाम के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और आलोक वर्मा के घर के बाहर आपको बता दें हमारे रिपोर्टर विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और एक और संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, रविंद्र कुमार। सबसे पहले तो विशाल, आप बताइए, आप वहां पर घर के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं और वहां पर ये बताया जा रहा है कि रात भर एक सफेद रंग की कार वहां पर खड़ी थी, चार लोग पकड़े गए हैं, अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो पूछताछ हुई है पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है इन चार लोगों के बारे में, कौन है ये चार लोग? देखिए मीमांसा, बीती रात से लगातार एक गाड़ी दो जनपद के बाहर खड़ी हुई थी और जिस तरह से अंदर से खबरें आ रही हैं, जो आलोक वर्मा के कैंप से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि उनकी जासूसी की जा रही थी और उसके इसी चीज़ को लेकर इनके सुरक्षा गार्डों ने उन चार लोगों को पकड़ा और उसके बाद दिल्ली पुलिस को भी इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है आखिरकार वो कौन लोग हैं। हालांकि उन लोगों ने इस बात का दावा किया वो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो से हैं, लेकिन फिर भी पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो आलोक वर्मा के मामले में मीमांसा, जिस तरह
से। कल बीती रात पीएमओ ने इतना बड़ा फैसला लिया क्योंकि जिस तरह से दो बड़े अधिकारी आपस में लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे और देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी पर एक तरीके से उसकी साख पर सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद से लगातार पूरी राजनीतिक घटनाक्रम लगातार हमें देखने को मिल रहा है मीमांसा, क्योंकि जिस तरह से आलोक वर्मा के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरना चाह रहा है। अभी रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है इसी मामले को लेकर कि चार आईबी के अधिकारी आलोक वर्मा के घर के बाहर जासूसी कर रहे हैं, आखिरकार सरकार क्या करना चाह रही है। तो कुल मिलाकर ये मामला जिस तरह से दो अधिकारियों की लड़ाई था वो अब एक तरीके से राजनीतिक लड़ाई भी बनता जा रहा है विपक्षी दल और सरकार के बीच में। और फिलहाल अभी देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस जो पूछताछ कर रही है उन चार लोगों से क्या कुछ आगे निकलता है मीमांसा जी। और रविंद्र भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, पहले से ही कांग्रेस के तेवर इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही हमलावर हैं और अब ये एक और मुद्दा उन्हें मिल गया है कि ये चार लोग वहां पर क्या कर रहे थे, ये तो आलोक वर्मा की जासूसी के लिए लगाए गए थे, अब ये आरोप भी कांग्रेस ने लगाने शुरू कर दिए। हरियाणा पुलिस के दो कांस्टेबल को पकड़ा गया था और काली कारण ये बताते हुए, लेकिन उसके पीछे की सियासत आपको पता ही हो। रविंद्र, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम सॉर्ट आउट करा लेते हैं और उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। और न्यूज रूम से इस वक्त हमारे रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं जो लगातार ये जो तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है इस पूरे मामले को लेकर उस पर नजर बनाए हुए हैं। जो बात जितेंद्र यहां पर विशाल भी कह रहे थे कि ये जो दो अधिकारियों के बीच की जो लड़ाई थी अब पूरी तरह से सियासी हो चुकी है, सरकार और विपक्ष आमने सामने और कहीं रफाल का एंगल इसमें जोड़ा जा रहा है, कहीं पर अब ये जो चार लोग अब ये कौन हैं, अब कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये तो जासूसी कराई जा रही थी। निश्चित तौर पर विपक्ष को मुद्दा मिला है मीमांसा, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा गया है, क्योंकि दोनों की आपस में लड़ाई थी, दोनों की आपस में पिछले काफ़ी समय से नहीं बन रही थी और उसके बाद जब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई क्योंकि स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, तो उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और सिचुएशन को संभालने के लिए जो CVC की रिपोर्ट थी उसके आधार पर डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा गया और एक इंटरिम डायरेक्टर को नियुक्त किया गया। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर विपक्ष को मुद्दा मिल गया क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं रफेल जो मुद्दा है उसको दबाने की कोशिश कर रही है और जो CBI डायरेक्टर से, क्योंकि कुछ समय पहले जो विपक्ष के नेता थे वो सब लोग मिले भी थे रफेल की शिकायत को लेकर के, तो इन तमाम तरह के मुद्दों के बीच में जिस तरह से ये घटनाक्रम तेजी से बदला है कि चार लोगों को आलोक वर्मा के घर पर जो उनके सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे उन्होंने चार लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि चारों इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे जो कि वहाँ पर तैनात किए गए थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या चारों के चारों सिर्फ इसी वजह से आलोक वर्मा के घर तैनात किए गए थे कि उनकी जासूसी की जाए या किसी और वजह से उस इलाके पर खड़े थे, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अगर हम अधिकारियों की बात करें या जो भी फुट सोल्जर्स हैं जिनको हम कहते हैं फिजिकल उसके लिए इंटेलिजेंस के लिए जो तैनात किए जाते हैं, तो अलग अलग मकसद से अलग अलग जगह पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर उनको तैनात किया जाता है ताकि वो इंटेलिजेंस गैदर कर सके। लेकिन इसको अभी ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि उनको आलोक वर्मा की निगरानी के लिए वहां पर रखा गया था, हालांकि लोकेशन जरूर उनके घर के आसपास से मिली है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो उनकी स्नूपिंग कर रहे थे, लेकिन पुलिस जरूर उनसे पूछताछ कर रही है और IB के ऑफिशियल्स भी उनसे पूछताछ करें क्योंकि उनका एक अपना प्रोसीजर होता है कि किनको कहां पर कैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैयार करना है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो उसका काम ही जासूसी करना है, लेकिन एक होता है फुट सोल्जर्स को तैनात करना और एक होता है डिजिटली उनकी जासूसी करना। लेकिन अगर वहां पर तैनात किए गए थे, अगर वहां पर मौजूद थे, अगर वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो हो सकता है कि किसी और मकसद से वहां पर हो, किसी और के लिए वहां पर तैनात किए गए हों, किसी और काम को लेकर के उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वो तैनात हो, तो इसको कहना अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जितेंद्र, थोड़ा जल्दबाजी होगा और ये जब तक क्लैरिफिकेशन इस बात को लेकर नहीं आती कि वो वहां पर किसने तैनात किए गए थे, क्या किस मकसद से किए गए थे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन CBI हेडक्वार्टर से इस वक्त मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये दो अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया, उसके बाद दोनों के दफ्तर भी सील कर दिए गए थे, किसी तरह की मूवमेंट वहां पर ना हो, जो फाइल्स हैं वो इधर से उधर ना हो जाएं। अभी आप CBI हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, अभी आप वहां पर क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, क्योंकि 13 अधिकारियों के ट्रांसफर भी हो चुके हैं, अब आगे कैसे ये जांच पड़ताल होगी इस पूरे विवाद को लेकर, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए मीमांसा, अपडेट से पहले हम आपके यहाँ एक बड़ी खबर बताना चाहते हैं कि जिस PSO ने आलोक वर्मा के जो चार, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि IB के ऑफिसर्स थे, उनको पकड़ा है, उस PSO के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
क्योंकि उसने मारपीट की थी, धक्का मुक्की किया था, और कोई भी किसी के साथ भी धक्का मुक्की करना या उसके साथ मारपीट करना ये क्राइम है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को इन्फॉर्म किया है कि इस मामले में वो देख रहे हैं कि पीएसओ ने किस तरीके का बर्ताव किया है। एक बड़ी बात है क्योंकि कानून अपने हिसाब से काम करता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो देश के इंटरनल सिक्योरिटी पर नज़र रखती है, वो ये पता करती रहती है कि किस सरकार में मंत्रालय में क्या चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये कहना कि किसी की जासूसी हो रही है वो गलत है। आईबी ने साफ मना किया है कि वो जासूसी नहीं कर रहे हैं, और अगर उनके लोग पकड़े भी गए हैं तो ये मतलब नहीं कि किसी जासूसी की जा रही है, वो एक इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी होती है जो वो कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सीबीआई की बात की मीमांसा, सीबीआई में एक भूचाल सा आया हुआ है क्योंकि दो टॉप अधिकारी हटा दिए गए हैं, कई बड़े अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए, तो जाहिर है कि जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बड़े मामलों की कर रही थी वो अब कौन करेगा, कौन टीम देखेगा। जिस तरीके से तूफान आता है उसके बाद जो धूल सेटल होने में टाइम लगता है, ठीक इस वक्त सीबीआई के अंदर यही माहौल है। थोड़ी देर पहले जो नए सीबीआई के जिन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है राव, वो अभी अंदर थोड़ी देर पहले आए हैं, मीटिंग का दौर चल रहा है। एक और बहुत बड़ा सवाल मीमांसा कि जिस अधिकारी को अरेस्ट किया गया है उसको लेकर के अब नया रुख क्या होगा, क्योंकि किसी को जो अरेस्ट होता है वो कोर्ट के सामने ही कोर्ट के बताना पड़ेगा कि उसके खिलाफ क्या एविडेंस मिला है नहीं मिला है, तो वो भी एक बड़ी लीगल प्रोसीजर होगी। फिलहाल ये एक पॉलिटिकल टर्न ले चुका है, राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आईबी के अगर लोग हैं भी तो उनका मोरल जरूर डाउन होगा, क्योंकि किसी को पकड़ के धक्का देते हुए घर के अंदर ले जाना, वो भी पीएसओ को किसने अथॉरिटी दी है, ये एक बड़ा सवाल जी है। बिल्कुल, अदालत के दरवाजे पर पहुंच चुका है सीबीआई के दो अधिकारियों के बीच जो ये खींचतान चल रही है ये पूरा मामला, और साथ ही साथ ये सियासी रंग भी ले चुका है। और सीबीआई में जो संग्राम छिड़ा है हर दिन इसमें नए मोड़ आ रहे हैं।